हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल HD Creations पर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक्सेल के अंदर फिल्टर को ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब फिल्टर को कैसे ऑटो अपडेटेबल किया जाए। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग फिल्टर फंक्शन सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइड यूजर एंड ऑफिस 2019 के लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है। तो 1613 में ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली जो फिल्टर का ऑप्शन है उसी का फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। तो मैं एक्सेल में डायरेक्टली चला जाता हूँ काम करने के लिए। तो देखिए, इसके अंदर मेरे पास एक डेटा है जिस डेटा में क्लाइंट कोड, क्लाइंट नेम, सिटी, स्टेट, GST एंड इनकम टैक्स डिटेल्स सब कुछ दिया हुआ है, जिसमें GST एंड इनकम टैक्स का टोटल यहाँ पे टोटल का एक कॉलम दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली जो एडवांस फिल्टर का काम करते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टेट वाइज, जैसे अगर मैं इधर स्टेट में गुजरात लिखा हुआ है तो अगर मैं गुजरात लिखा तो मेरे यहाँ पे गुजरात का जो भी डेटा है वो डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। यही जो काम है, यही काम हम लोग अभी फिल्टर फंक्शन से करेंगे। तो बेसिकली फिल्टर फंक्शन आने से हमें और एडवांस फिल्टर का यूज करने का जरूरत नहीं है। एडवांस फिल्टर यूज करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्टर फंक्शन है, तो फंक्शन ऑब्वियसली हमेशा ऑटो अपडेटेबल होता है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी ऑटो अपडेटेबल है। बट अगर एडवांस फिल्टर से करेंगे ये काम तो वो ऑटो अपडेटेबल नहीं होता है। उसके लिए या तो हमें VBA कोडिंग लिखना पड़ता है या फिर हमें मैक्रो बनाना पड़ता है, जो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बोला जाए VBA कोडिंग ही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे इक्वल्स टू फिल्टर। देखिए, अब इसके अंदर तीन पार्ट आ रहा है, एक है एरे, दूसरा है इंक्लूड, तीसरा है इफ एम्प्टी। अब इफ एम्प्टी जो पार्ट है वो पार्ट बेसिकली ऑप्शनल पार्ट है, देने का जरूरत नहीं है। तो एरे में क्या आएगा, एरे में आएगा मेरा फुल डेटाबेस। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पूरा डेटाबेस है मैं पूरा डेटाबेस यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रोज का एक डेटाबेस है तो मैंने पूरा डेटाबेस दे दिया, कॉमा। इंक्लूड के अंदर बेसिकली बुलियन वैल्यूज आता है, बुलियन वैल्यूज मतलब ट्रू और फॉल्स का एक एरे आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन जैसा जनरेट करना है, ठीक है। तो कंडीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन पे हम लोग लिखेंगे इफ दिस एरिया इज इक्वल टू दिस, ओके। तो ये हम लोगों ने कंडीशन बना लिए, तो ये हमें अल्टीमेट रिटर्न में क्या देगा, ये हमें क्या ट्रू फॉल्स का बुलियन वैल्यूज का एक एरे जनरेट करेगा, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पे देना है इफ एम्प्टी। इफ एम्प्टी का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू लिखते हैं जो असल में डेटाबेस में है ही नहीं, तो हमें क्या लिखना है, तो हमें क्या दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, करके एंटर, ठीक है। देखिए, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली जो एरे है उस एरे में से मेरा जो डेटा है उसको बाइफरकेट कर दिया, और वो भी देखिए सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे आ गया ये जो डेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जो गुजरात है गुजरात के बेस पे। तो मैं क्या अभी क्या करूँगा, बस इस जगह से जो हेडिंग नेम है उस हेडिंग नेम को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया एंड इस जगह पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए, इस जगह पे मेरा जो डेटा है वो रेडी हो गया। तो मेरे पास गुजरात का जो भी डेटा था वो गुजरात का डेटा देखिए बाइफरकेट होके एकदम एडवांस फिल्टर की तरह एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अगर मैं इस जगह पे चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। देखिए, जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको अगर दूसरे किसी में चेंज कर, जैसे महाराष्ट्र है तो मैं महाराष्ट्र चेंज कर सकता हूँ। आप इसके लिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ड्रॉप डाउन इसमें महाराष्ट्र का जो भी डेटा है वो महाराष्ट्र का डेटा आ गया। अगर मैं इसमें कोई ऐसा वैल्यू डालता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट में डाल दिया वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल बेसिकली इसके अंदर है नहीं, तो वेस्ट बंगाल का डेटा डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे आ गया नो डेटा फाउंड। तो नो डेटा फाउंड जो हम लोग दिए थे ये फर्स्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में, वो बेसिकली इसके लिए है कि अगर कोई ऐसा डेटा है जो आप इधर दे रहे हो बट वो डेटा डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो आपको क्या दिखाना है। तो मैं इसको दोबारा गुजरात में चेंज कर देता हूँ, इसको दोबारा मैं गुजरात में चेंज कर देता हूँ। तो देखिए, गुजरात में चेंज करते ऑटोमेटिकली इस जगह पे जो भी गुजरात का डेटा है गुजरात का डेटा आ गया। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो फिल्टर का डेटा है वो फिल्टर का डेटा डायनामिक हो गया एंड ऑटो अपडेटेबल हो गया, कि इसके अंदर जैसा चेंजेस होगा इसके अंदर वैसा चेंजेस होता जाएगा। अगर इसके अंदर आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके अंदर जैसे डेटा इंक्रीज होता जाएगा इसके अंदर भी डेटा वैसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल सिंपल फिल्टर का फंक्शन। अब एडवांस फिल्टर में जैसे हम लोग एंड और का लॉजिक यूज करते थे, इसके अंदर भी हम लोग वैसा लॉजिक चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और जगह ले लेता हूँ जिसके अंदर एक और हम लोग क्राइटेरिया लिखेंगे, तो मान लेते हैं सिटी,
अब देखिए सिटी के अंदर मेरे पास बहुत सारा सिटी है गुजरात में, जैसे अहमदाबाद भी दिख रहा है गुजरात में, गुजरात में सूरत भी दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ अहमदाबाद, गुजरात का जो अहमदाबाद सिटी है, मुझे सिर्फ अहमदाबाद का डिटेल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ अहमदाबाद। अब देखिए मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे उसके लिए सिर्फ इसका जो फंक्शन है, ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अब चेंजेस करने के लिए आप सिर्फ फर्स्ट सेल का यूज करेंगे हमेशा, ऐसा नहीं कि आप इधर के बीच में से कहीं पर भी जाके आप सेल को चेंज कर सकते। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो तो क्लियर विजिबल है, पर जैसे ही आप इधर जाएंगे देखिए जो फंक्शन है वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, मतलब इस जगह पे आप फंक्शन को एडिट नहीं कर सकते। अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा फंक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिल्टर का जो फंक्शन है वो फंक्शन हमेशा यूज कहाँ से करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन से। तो इस जगह पे ये जो फंक्शन है हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन का जो जगह है उसके अंदर पहले मैं ये पूरा जो डिटेल्स है फिलहाल का वो डिटेल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू फिल्टर, देन उसके बाद एरे में हम लोग मेंशन करेंगे अपना जो भी एरे है वो एरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके जब हमें, अभी देखिए हमें क्या देना है, हमें दो कंडीशन देना है, ठीक है। तो दो कंडीशन को हमेशा अलग अलग सिंगल सिंगल ब्रैकेट पे देना है। तो एक कंडीशन के लिए मैं एक ब्रैकेट लेता हूँ जिसमें मैं या तो इसको कंडीशन ले सकते हो या आप इसको कंडीशन ले सकते हो एज ए फर्स्ट कंडीशन। तो मैं फिलहाल सिटी को ले लेता हूँ, तो सिटी का एरिया इज इक्वल टू अहमदाबाद, ओके। तो ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट कंडीशन एंड दूसरा कंडीशन। अब जब दूसरा कंडीशन हम लोग देंगे तो दोनों कंडीशन एंड लॉजिक पे काम करेगा, इसके लिए हमें दो साइन यूज करना, एक आता है ऐसा स्टार, दूसरा आता है प्लस। स्टार का मतलब है एंड लॉजिक पे, प्लस का मतलब है और लॉजिक पे, ठीक है। तो अगर आपका एंड लॉजिक है तो एंड लॉजिक लगाएंगे, देन दूसरा कंडीशन के लिए आप दूसरा ब्रैकेट, मैं बेसिकली ब्रैकेट यूज करता हूँ ताकि अच्छे से कंडीशंस बाइफरकेट हो जाए। तो देन दिस सेल इज इक्वल टू गुजरात, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया मेरे लिए पूरा इंक्लूड, ठीक है। अब इफ एम्प्टी में मैं फिर से लिख देता हूँ नो डेटा, देन एंटर। तो देखिए जो अभी गुजरात का डेटा आया वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद का डेटा है, इसके पहले जो गुजरात का डेटा आया था उसके अंदर सूरत का भी डेटा था, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर गुजरात का सूरत का डेटा चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सूरत, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ सूरत का डेटा, जो अहमदाबाद का डेटा वो अहमदाबाद का डेटा ऑटोमेटिक गायब हो गया। इवन अगर अभी मैं इधर कोई गलत लिख देता हूँ, जैसे सूरत दिल्ली में है ही नहीं बट फिर भी मैं लिख देता हूँ दिल्ली, तो देखिए आ गया नो डेटा, ठीक है। अब मैं काम करके अब इसी चीज को मैं और लॉजिक पे भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, मुझे ये जो स्टार है इसके जगह पे लिख देना है प्लस। तो जैसे ही प्लस लिख देंगे ये हो जाएगा और लॉजिक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है स्टार एंड प्लस, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के अंदर काम करता है, आप इसको जिस जगह पे एंड या और लॉजिक पे काम होता है उस जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे सम प्रोडक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इफ कंडीशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं आप इसको। दीजिए प्लस, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का भी डेटा आ रहा है सूरत का भी डेटा आ रहा है, मतलब दोनों डेटा और लॉजिक पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो एडवांस फिल्टर के रिप्लेसमेंट के हिसाब से यूज हो सकता है, बट ये फंक्शन लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा 2019 के एकदम लेटेस्ट वर्जन एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 और 365 इनसाइड यूजर के लिए। तो अगर आप ये सारे वर्जन यूज करते हैं तो आप इस फंक्शन का फायदा उठा सकते हैं अपने काम के लिए, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.